बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज जो बैन सूबाई वज़रा का इजलास हुआ है जिसमें सिफारिशात पेश की गई हैं कि जो मरहला वार स्कूल खोले जाएँ, अगर ये मरहला वार स्कूल खोलते हैं, प्राइमरी के स्कूल अगर जाके आपके 30 सितंबर को खुलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे 70% तालीमी इदारे हैं वो तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, उनको मज़ीद एक तकरीबन 21 दिन मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर सरमाई इलाकों में जो तालीमी इदारे हैं वो 15 दिसंबर को फिर बंद हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम उनको सिर्फ 2.5 माह के लिए खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला इतना अच्छा नहीं है, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। NCOC के इजलास के अंदर जो सिफारिशात गई हैं, तो मेरी इस्तदा है कि NCOC ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये इस्तदा है और ये तमाम तालीमी इदारों की है कि तालीमी इदारों को जो है 50% तालीमी इदारे 3 दिन पहले 3 दिन खोले जाएँ, 50% जो क्लासेज हैं उनको नेक्स्ट 3 दिन उनको खोला जाए, ताकि हमारी तालीमी सरगर्मियाँ जो रुकी हुई हैं वो दोबारा से बहाल हो सकें और बच्चों का जो कीमती वक्त बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया, उसको हम रिकवर कर सकें।